धारा 118 को लेकर राजस्व एवं आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि धारा 118 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कांग्रेस सरकारों के समय में हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में धारा 118 की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी और जब तक औपचारिकताएं पूरी नहीं की जाती तब तक बाहरी राज्यों से कोई भी व्यक्ति हिमाचल में जमीन खरीद नहीं सकेगा। महेंद्र सिंह ने कहा कि मेरे 35 साल के राजनीतिक जीवन में सबसे ज्यादा धारा 118 का उल्लंघन कांग्रेस ने किया है। उन्होंने कहा कि अब धारा 118 के लिए परमिशन के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। मेरे 35 साल जो है विधानसभा पूरे होने जा रहे हैं। धारा 118 का अगर सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है तो कांग्रेस के समय में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के समय में धारा 118 का कभी भी कोई उल्लंघन नहीं हुआ। आज धारा 118 के केसेस को हम टोटली ऑनलाइन करने जा रहे हैं, ना मिनिस्टर के पास, ना मुख्यमंत्री के पास, ना निचले स्तर पे, नीचे से और टॉप तक सीधा ऑनलाइन होगा सारा सिस्टम। ऑनलाइन ही उसकी परमिशन मिलेगी, किसी किसी बीच के बिचौलिए को बीच में आने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ेगी। कब से शुरू होगा जी ऑनलाइन? तुरंत शुरू होगा। कोई डेट भी नहीं? उस वक्त तक कोई धारा 118 की परमिशन नहीं दी जाएगी। हमीरपुर पहुंचे राजस्व एवं आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ने पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों के समय पर होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि चुनाव समय पर होंगे और इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं महेंद्र सिंह ने पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में पार्टी चुनाव चिन्ह पर करवाने के लिए मना किया है। उन्होंने कहा कि नई पंचायतों का गठन भी किया जा रहा है और मंत्रिमंडल में विस्तार से चर्चा के बाद निर्णय लिया गया है कि चुनाव करवाए जाएंगे। पार्टी चिन्ह पे कोई चुनाव नहीं होगा। ऐसा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, किसी पंचायत से किसी इस पार्टी से जुड़ा नहीं होता है। इस करके इस पे मंत्रिपरिषद में बड़ी डिटेल में इस पे चर्चा हुई है। समय रहते हुए चुनाव होगा। समय रहते हुए चुनाव के साथ साथ हो सकता है कुछ नई पंचायतों का गठन किया जाए। वैसे यूएलबी का है, उसमें भी समय रहते जो है चुनाव होंगे। कुछ यूएलबी जो है उसमें नया एरिया शामिल किया जा सकते हैं, कुछ यूएलबी से नया एरिया काटा भी जा सकता है। तो वो सारा कुछ जो है वो मंत्रिपरिषद के अंदर बड़े बहुत बहुत विस्तार से इस पर लंबी चर्चा हुई है और लंबी चर्चा के उपरांत जो है निर्णय लिए गए हैं। 7 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के लिए आईपीएच मंत्री ने कहा कि विपक्ष के हर उत्तर देने के लिए तैयार हैं और चर्चा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। वहीं कांग्रेस के नेताओं द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार के साथ मंत्रियों के लिए की जा रही टीका टिप्पणी पर कहा कि क्या कांग्रेस सरकार के समय में 3 ही मंत्रियों से काम चलता था? इसका जवाब कांग्रेस के नुमाइंदे दें। सरकार हर चीज के लिए तैयार है, हर डिस्कशन के लिए तैयार है, हर प्रश्न के उत्तर के लिए तैयार है। ऐसा है। अब ये जो उस तरफ की अपोजिशन की कुर्सियां होती हैं, जब इस तरफ कोई बैठता है तो वो फिर औपचारिकता निभाने में कमी नहीं छोड़ता। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो बताएं, जब वीरभद्र सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2012 से लेकर के 2017 तक, उस 5 वर्ष के कार्यकाल के बीच में क्या उन्होंने 3 मंत्रियों से हिमाचल प्रदेश सरकार चलाई थी? अगर उन्होंने 3 मंत्रियों से हिमाचल प्रदेश सरकार चलाई थी तब तो ठीक है। मंत्रियों को जिन विभागों का दायित्व सौंपा गया है उन विभागों का दायित्व निभा रहे हैं। किसको कितने मंत्रालय देने हैं किसको, वो तो मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, उसमें तो किसी मंत्री का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ने बताया कि शहर में सीवरेज के काम को पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और सीवरेज काम में आ रही दिक्कतों के लिए भी बैठक में चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 11 में सीवरेज कार्य को लेकर आ रही दिक्कतों के लिए 46 लाख रुपए का प्रोजेक्ट लगाकर सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। हमारे पास लगभग 54-55 यूएलबीज है, तो उन सभी यूएलबीज में जिस प्रकार से सीवरेज का काम होना चाहिए उसमें कई दिक्कतें आ रही हैं। इस बैठक में माननीय विधायक नरेंद्र भाई ठाकुर जी ने जो है इस विषय को उठाया है। हमने अपने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वार्ड नंबर 11 में जो क्योंकि वो जो कनेक्शन थे वो कुछ नीचे रह गए थे, वहाँ पर
वो जो सीवर का पानी है वो आगे नहीं जा रहा था, इस करके 46 लाख का एक प्रोजेक्ट जो है उसको हमने आज मंजूरी दी है, ताकि वो जितने भी ऐसे कनेक्शंस हैं, कनेक्टिविटीज़ हैं, उन सभी को जो है वो सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा भी और भी जो कनेक्शंस होंगे सीवरेज के, उनमें भी और एप्लीकेशन भी मेरे पास आई है, उन पर भी हमने कहा है कि जो जो जहाँ होना है उस पर बेस्ट पॉसिबल सर्विस जो है हम प्रोवाइड करेंगे। राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारियों को कतई नहीं छोड़ा जाएगा और हमीरपुर में गत दिनों भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए आरोपी कानून को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पर काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुछ ही दिन पहले ही राजस्व विभाग संभाला है और इस विभाग में भी बढ़िया काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही पटवारियों के खाली पदों को भी भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि पुरानी रजिस्ट्रियों के 7 इंतकाल भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनमें तेजी लाने के लिए काम किया जाएगा। क्या कोई ऐसी कार्रवाई होगी जिससे निश्चित तौर पे कार्रवाई हो रही है। करप्शन से जीरो टॉलरेंस, कोई ऐसा बोले भी करप्शन करे और उसको हम बोले भी इसको छोड़ दो, जीरो टॉलरेंस। प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि कोई किसी कर्मचारी, किसी अधिकारी, किसी और कोई कोई ऐसी करप्ट एक्टिविटीज़ करता है और हम उसको बोले भी इसको बचा लो, नेवर। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर जो हम भविष्य में करना चाहते हैं उसकी एक रूपरेखा जो है वो तैयार की जा रही है। सर, जो पटवारियों के पद काफी समय से खाली हैं, पटवारियों के पद लगभग 9 महीने के बाद कोई भी खाली नहीं रहेगा हिमाचल प्रदेश में, सारे पद जो भर दिए जाएंगे। और जो आपने इंतकाल की बात कही है, हम सिस्टम में बहुत बदलाव करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आज जो रजिस्ट्री हो जाती है, 20-20 साल की रजिस्ट्रियाँ पड़ी हुई हैं, इंतकाल नहीं हो पा रहे हैं, और उसमें हम एक मूलभूत परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बहुत रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो रिफॉर्म्स लाए जाएंगे वो इतनी ऐसी जल्दबाजी में नहीं ला सकते कि मैंने अभी बोला और कल को ले जाएं। उस पर बहुत, उसके एक्ट में कई जगह हमारे को उसमें बहुत अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। जो स्टेट एक्ट है उसमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। हम कैसे राजस्व विभाग की सेवाएँ जो हैं उसको, उसका सरलीकरण करें, हम उस सरलीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें मैंने एक 23 इसका जो है मेरी एक तरफ से आए हुए कि 23 ऐसे इश्यूज हैं जिसका मैंने सभी डिप्टी कमिश्नर को, सभी तहसीलदार को, सभी डीसीज को और सभी डिविजनल कमिश्नर को भेजा हुआ है, और उसमें समय निर्धारित किया है, इतने दिनों के अंदर मुझे सारी सूचनाएँ चाहिए। तो वो सारी सूचनाएँ प्राप्त होंगी। दूसरी तरफ हमने उस पर और एक कमेटी का गठन करने जा रहे हैं, जिस कमेटी में सेवानिवृत्त अच्छे अनुभवी अधिकारी भी होंगे, उसमें वर्तमान के विधायक भी होंगे, उसमें वर्तमान के जो हमारे अधिकारी हैं वो भी होंगे। हम मिल बैठ करके हम क्या उसमें किस किस इसमें जो है हम परिवर्तन ला सकते हैं, किस उसका सरलीकरण कर सकते हैं, उस तरफ हम काम करने की तरफ बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 41वें कोटे से बहुत विभागों के अंदर बहुत पद रिक्त पड़े हैं, मैं आपसे इस बात पे सहमत हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि रिक्त पड़े हुए पदों में 2-3 कारण हैं। कई बार क्या होता है कि उस पद के लिए जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो नहीं मिल रहा है, तो हम इस पर काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जिन जिन विभागों में जो हमारा 15% का कोटा है उसको हम भरने की प्रयास करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, वे एलिजिबल लोग ना मिले तो फिर कुदरती जो है वो खाली रह जाते हैं।